क्या बैरियर में भी चीने झपटी होती है? क्या बात कर रहे हो, अंदर नहीं है तू, बाहर हाईवे पे है ये बैरियर की, उसमें थोड़ी ज्यादा प्रेमिसेस में उसके बाहर है। प्रेमिसेस क्या होता है? प्रेमिसेस होता है, हम तो प्रेमिसेस ही कहते हैं। अब यहाँ से पर्ची मिलेगी और फिर आपका फ्री हो जाएगा टूल टैक्स से बचिए। अब आपके कौन से रोड पे उतरोगे? हाईवे, वापसी के रोड पे? ना हाईवे यू टर्न है ना ये नीचे से। ओ ये हाईवे जो हैदराबाद से आ रहे हैं वो नीचे से चले जाएंगे, तो जो आम बंदा सीधा हाईवे पे जा रहा होता है उसको तो लगेगा ना वो यहाँ से नहीं उतर सकता। नहीं तो उसके यहाँ क्या करना आएगा, बनाने आएगा? यू टर्न जहाँ से लिया है, कहाँ से लेने वाला रोड जो तो सेम ही था ना। हाँ अगर कोई मुड़ेगा तो ही देना होगा। हाँ वरना सीधा चलाएगा तो आगे वो हैदराबाद टूल टैक्स पे देना पड़ेगा ना, और जो हैदराबाद टूल टैक्स से आ रहे हैं वो यहाँ से आगे इधर से यू टर्न लेके फिर उस वाले रोड पे जाएंगे बैरिया के लिए, तो उनका भी फ्री हो जाएगा। है बैरिया वो यहाँ से चले जाएंगे, ये बैरिया जा रहा है वापस, ये इधर का यू टर्न है। अब ये मैं वहाँ दिखाऊंगा वो एक अल्लाह फिर ये नहीं होगा। अब यहाँ से 250 बता रहा था साला, आपको अभी रोड मोड़ रहा है अक्सर ये वाली लेन ना वो दीवार में आगे फुटपाथ में खत्म हो जाएगी, तो गाड़ी घुस जाएगी फुटपाथ में। देखा तो नहीं भाई, मैंने वीडियो देखी उसकी एमजी की, एमजी में सीन हो रहा था वो कह रहा है देखो ये खत्म हो गया लेन जो जाके फुटपाथ के अंदर फुटपाथ में घुसरी गाड़ी। तेरा बच्चा होगा ना फिर पूछूंगा,
ऐसे रहेगा हाथों में छाला बना के। वो भाई जब औलाद से बहुत याद है वो इमाम गए थे गोटियाँ खाने जा तो बोल रहा है वहाँ चलो शराब गोट पे अफगानी बोटी जब खाने गए थे वहाँ पे पठान बच्चा मिला था याद है। अंकल जो है बात कर रहे थे हमसे बहुत लंबी बात कर रहे थे और वो उनका बच्चे को लग गई थी चोट लग गई थी वो कर रहे थे कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। वो एक अलग बात है लेकिन जब आपका अपना बच्चा होगा ना फिर आपको पता चलेगा कि क्या फीलिंग होती है। हम भी पता है मुझे होती है फीलिंग। अबे मुझे पता है रात में उठता नहीं था मेरी वाइफ इतनी हटती है कि मैं इतना बोलती थी उठते नहीं था। मेरे बच्चे क्यों करते हैं ना भाई उठना उठा बैठ जाता हूँ क्या हो गया भाई आज वो लाइट जला जाता हूँ उठ के बैठ जाता हूँ चाहे रात के 2 बज रहे हो या 3 बज रहे हो 4 बज रहे हो कितनी गहरी नींद में टक करके उठ जाता हूँ। बहुत फर्क होता है भाई औलाद औलाद मेरा एक दिन भी अगर मेरी वाइफ चली जाती है अपनी अम्मी के रुकने नहीं जाती अब तो क्योंकि पहले अगर आ जाता हूँ कभी अभी शादी और नादे रुक जाती है अभी रमजान में एक दिन रुक जाता है रात नहीं गुजरती मैं नींद ही नहीं आती छोटे के बगैर ना घर वालों का लगता है ना हमारे नहीं है लेकिन तुम्हारी बेगम कहती होगी प्यार बढ़ गया ये बड़े गिले से क्यों आप तो वैल्यू नहीं दे रहे सारी होता ही अपनी औलाद से ही तू कंपैरिजन करनी है।